हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मशरूम मटर और वो भी हांडी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम मशरूम। मशरूम को सबसे पहले दोस्तों हमें साफ़ करना है। साफ़ तो वैसे पानी से भी हो जाती है, लेकिन पानी से उतनी अच्छी तरह से साफ़ हो नहीं पाती। तो सबसे पहले तो हमें इनके जो डंठल हैं ये थोड़े से वुडी होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये कट करने हैं। थोड़े थोड़े आप कट कर लीजिए, क्योंकि थोड़े से वुडी होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और उसके बाद अब है इनको बारी साफ़ करने की। तो साफ़ करने का जो तरीका है, इसमें थोड़ा सा आटा आप डाल दें और इस तरीके से उंगलियों से आप इनको साफ़ कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये तरीका है बिल्कुल साफ़ करने का। पानी में भी आप अगर डालेंगे तो अच्छी तरह से जो इनके ऊपर जो हल्के हल्के मिट्टी वगैरह जो लगी रहती है, थोड़े निशान वगैरह होते हैं, वो पानी से साफ़ नहीं होंगे। बाकी आप अगर इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, देख रहे हैं, बिल्कुल क्लीन हो गए। अभी आपको एंड में दिखाएंगे वॉश कर कर भी। धीरे धीरे सभी को हम इसी तरह से वॉश कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गए सारे जितने भी मशरूम हैं, इसी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। और अब इनको टू पीस में डिवाइड कर लेंगे सभी मशरूम को। ये सारी मशरूम कट के हमारी तैयार होगी। दोस्तों, बारी आती है साबुत मसालों की। तो साबुत मसालों में मैंने लिए हैं 2 तेज़पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 5 से 6 काली मिर्च। ये हमारा है साउथ मसालों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने लेनी है हांडी। हांडी आप देख सकते हैं यहाँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें थोड़ा हांडी को ना गर्म करना पड़ेगा, तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। और जब तक हमारी हांडी गर्म हो रही है, उसके बाद मैंने यहाँ पर 150 ग्राम के आसपास मस्टर्ड ऑयल लिया है। उस ऑयल को हम इसके अंदर अच्छी तरह से हम फैला लेंगे, ताकि जो हांडी है उसमें ऊपर तक तेल लग जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर तक तेल लग चुका है, तो इस तरह से हमें करना है, अंदर से सूखी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारे मसाले थे, खड़े मसाले, वो मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब अच्छी तरह से इन मसालों को भून लें, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से पफ हो जाएं। पफ होने तक इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले थे वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, बारी है प्याज की। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइसों में काट कर रख रखी थी, जिन्हें अब हम हांडी में डाल देंगे। और जब तक ये सुनहरी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इनको अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर आ चुका है। एक्चुअली हांडी का जो मुंह है वो थोड़ा सा छोटा है, तो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूँ, वैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये 3 हरी मिर्ची मैंने चॉप कर कर रख रखी थी, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद 3 से 4 कलियाँ मोटे वाली लहसुन की, इन्हें भी मैंने चॉप कर कर रख रखा था, ये भी हम डाल देंगे। और उसके बाद 1 गांठ अदरक की, इनको भी चॉप कर कर रख रखा था, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। और अच्छी तरह से इनको भुनेंगे, फ्राई करेंगे। याद रखें, भुनाई जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं हर रेसिपी में आपको बताता हूँ, भुनाई जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, तभी जो आपकी रेसिपी है वो बहुत अच्छी बनेगी। और दोस्तों, इसके बाद बारी आती है टमाटरों की। तो मैंने यहाँ पर कम से कम 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। वैसे टमाटर आजकल काफ़ी महंगे हो रहे हैं, 200 रुपये किलो हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, रेसिपी बढ़िया बननी चाहिए।
इनको भी स्लाइस काट के रख रखा था, और इसके बाद इनको डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको भी फ्राई कर लेंगे। अब मेन गलाने के लिए टमाटर की जो ऊपर की परत है वो इतनी अच्छी तरह से गलती नहीं है, तो उसके लिए हम अभी थोड़ा सा सॉल्ट अभी इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने सॉल्ट का यूज़ करा है, बाकी थोड़ा बचा कर रख लेंगे, वो बाद में डालेंगे। तो इससे क्या है, अब जो हमारे टमाटर हैं और ओवरऑल जितना भी हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इनों को अच्छी तरह से मिलाएंगे, भुनाई अच्छी तरह से करेंगे मेन। यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर जो थे उन्होंने काफ़ी पानी छोड़ दिया, और इसके बाद ये 100 ग्राम मटर है, ज़्यादा नहीं है, 100 ग्राम मटर आपने डालनी है, सफल मटर, और इनको भी अभी हम डाल देंगे। और मटर जो है अपनी मिठास छोड़ेगी रेसिपी में, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, आप देखना। अब यहाँ पे क्या है, हमारी मटर वगैरह जितनी भी हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद बारी आती है पाउडर मसालों की, तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, उसके बाद आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डाला है, और उसके बाद ये लाल मिर्च आधा चम्मच, थोड़ा सा कम भी आप कर सकते हैं, और ये है हमारी आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो हमें कलर देगी, जो कलर आएगा वो इसी से आएगा। और बाकी आधा चम्मच से नमक ज़्यादा था, हमने थोड़ा पहले भी डाला था, तो आप ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, एंड में अगर आपको लगे तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो अभी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दिखाया है, आप जो मसाला था उसने तेल छोड़ दिया, ये आप देख सकते हैं तेल हमारा सारा ऊपर आ रखा है। और उसके बाद अब बारी है मशरूम डालने की, तो ये मशरूम जो है हम हांडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जितना भी मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, इस तरह से आप मिक्स कर सकते हैं। ये लगभग हो ही चुकी है, और यहाँ पर आकर आप एक ग्लास पानी आप डाल सकते हैं। दोस्तों पानी डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो मसाला था वो अच्छी तरह से और मतलब मिल जाए। और उसके बाद इसको हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है, तो मीडियम फ्लेम पर अभी हम इसको पकने देंगे, और बीच बीच में इसको मिलाते रहेंगे। अब दोस्तों इस स्टेज पर आकर हमें दम लगाना है, तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है थोड़ा सा, ताकि जितना आटा हमारे ये ढक्कन को कवरअप कर ले। उसके बाद आटे को बेलकर हम लंबा लंबा कर लेंगे, और ढक्कन के साइडों में इसको अच्छी तरह से हम लगा देंगे, ताकि अंदर की जो हवा है वो निकल ना पाए। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम ढक्कन को पूरा अच्छी तरह से कवरअप कर देंगे। ये अच्छी तरह से कवर अप कर दिए, और अभी 15 मिनट पे मीडियम फ्लेम पर हम इसी तरह से इसको पकने देंगे। और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी जो पहचान है, ऊपर का जो आटा है ना वो हमारा सूख जाता है। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, शायद वीडियो में आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं छुटा कर दिखाता हूँ। पहली बात तो ये हाथ से ना छुटाएं, ये काफ़ी गर्म होता है,
तो ये चिमटे की सहायता से जब आप हटाएंगे तो ये आप देख सकते हैं आटा जो था बिल्कुल हमारा सूख चुका था। तो यहाँ पर आप समझ जाना कि मॉइस्चर जो है, पानी जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम हटाते हैं तो ये आप देख सकते हैं जितना भी मॉइस्चर था, पानी था अंदर, वो हमारा जो है वो सारा गायब हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं गर्मा गर्म मशरूम मटर हांडी आपकी बनकर तैयार है। घर पर दोस्तों ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल कहते हैं जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा, तो उस टाइप की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक काम ज़रूर करना, मेरी इस वीडियो पे जितने भी व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। उससे होगा ये मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो दोस्तों बारी है सर्व करने की मशरूम मटर हांडी। और दोस्तों रेसिपी को बनाकर और खाकर कमेंट कर ज़रूर बताना रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों नई नई वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर त्रिलोक फूड गैलरी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।